जय जगन्नाथ। मैं मनोज रथ, भगवतपाद आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित चार आमनाय पीठों में एक पीठ पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ में भगवती विमला जी के नाट मंडप में जगमोहन में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और ये मेरे लिए परम हर्ष की भी बात है कि अभी दुर्गोत्सव के समय में आज सप्तमी तिथि में मैं आप सभी के साथ भगवती के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, भगवती के बारे में कुछ आपके साथ संवाद करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। ये बताना चाहूँगा कि ये जो गोवर्धन मठ है, भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित मठ है। उसके पहले आचार्य आचार्य पद्मपाद हैं। और आपको जानने में ये खुशी होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ का क्षेत्र है। और उन्होंने जब इस पीठ का स्थापन किया, प्रतिष्ठा किया, उसी दिन उन्होंने उद्घोषित किया कि इस पीठ की देवता है जगन्नाथ महाप्रभु और इस पीठ की देवी है भगवती विमलाम्बा। तो जिस विमला भगवती के आप दर्शन कर रहे हैं आज सप्तमी के दिन में, उनका राज राजेश्वरी का भेष हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उनका कृपा हमको प्राप्त हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का इस क्षेत्र में, विमला भगवती का इस प्रांगण में हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं, ये जो पूजन का इस बार अधिक मास के कारण 45 दिन के लगभग यहाँ पे पूजन हो रहा है और सुबह से लेके रात तक बहुत सारा पूजन का क्रम और विधि से वैदिक रीति नीति से हमारे पीठ के पुरोहित, हमारे वैदिक जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी के द्वारा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय महाराज श्री पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे पास और इस मठ में, और उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में, पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में जितने संत महंत यहाँ पे जो भी यहाँ पे हैं, सभी के तत्वावधान में, निरीक्षण में ये कार्य संपन्न हो रहा है। और आज जो राजराजेश्वर का भेष है, कल अष्टमी तिथि में हम लोग जगधात्री का भेष है, नवमी तिथि में भुवन मोहिनी का भेष है। तो हम ये बेस आपको हर रोज़ दिखाएंगे, प्रसारित करने का ऐसा मनोभाव हमारा है। और हमें लगता है कि इस कोरोना के महामारी के कारण जो लोग यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इस यांत्रिक विधा से माँ भगवती का दर्शन करेंगे। और अगले वर्ष ये महामारी का जब विलोप घटेगा, समाप्त हो जाएगा ये महामारी विभीषिका, तब सब लोग यहाँ पे आने की चेष्टा करेंगे और भगवती का दर्शन करेंगे, पूज्य शंकराचार्य जी का दर्शन करेंगे, सर्वोपरि श्री जगन्नाथ महाप्रभु का भी दर्शन करेंगे। और श्री गोवर्धन मठ की तरफ से आप सभी को दुर्गोत्सव की और नवरात्रि की हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से, भगवती की कृपा से, पूज्य शंकराचार्य महाभाग की अनंत करुणा से हम सब लोगों की जीवन दिव्य बने, हम लोग राष्ट्र प्रेम से भावित हों और देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा में हम लोग बिल्कुल आगे बढ़े, इस भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ।